ICCU में भर्ती हुई कंगना रनौत, फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट। जी हां, अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के शूट के दौरान कंगना हुई घायल। मिड्डे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी। तलवारबाजी का सीन फिल्माया जा रहा था और इसी दौरान तलवार कंगना के माथे पर लगी और वो घायल हो गई। यूनिट के मेंबर्स का कहना है कि जल्द ही पास के अपोलो हॉस्पिटल में कंगना को भर्ती कराया गया। उन्हें ICCU यानी इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट में रखा गया और कंगना के माथे पर 15 टाके भी आए हैं। उन्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखा जाएगा। फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन ने बताया कि कंगना ने बॉडी डबल के लिए मना कर दिया था। हालांकि सीन की रिहर्सल बहुत बाद में की गई थी, लेकिन शूट के समय थोड़ी गड़बड़ हो गई। दरअसल सीन के हिसाब से निहार परनिया कंगना पर तलवार से अटैक करते हैं, तो कंगना को सर झुकाना था, लेकिन वही टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई और कंगना के आईब्रोज में गहरा कट आ गया। डॉक्टर का कहना है कि कंगना अगले हफ्ते तक डिस्चार्ज कर दी जाएंगी, लेकिन उनके चेहरे पर चोट का निशान रह जाएगा। फिल्म के करीबी सोर्सेस का कहना है कि कंगना फिल्म में ये निशान नहीं छुपाएंगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक वॉरियर थी और कंगना रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही है। हालांकि फिल्म के शूटिंग के बाद कंगना को कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। कंगना, हम और आपके फैंस दुआ करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। गेट वेल सून कंगना। बॉलीवुड की बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए बोल बिंदास।